हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट टू अडोब मीडिया एनकोडर के अंदर कि कैसे हम आफ्टर इफेक्ट के प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा अडोब आफ्टर इफेक्ट सीसी है, इसमें हमने कुछ कंपोजिशन की हुई है। ये वाली, ये देखिए, ये वेडिंग की कंपोजिशन है जो हमने की हुई है। यहाँ से हम चाहें तो एक एक वीडियो को हाइड कर सकते हैं, ऑडियो इसकी रिमूव कर सकते हैं या म्यूट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं इसको। तो आइए देखते हैं कैसे लॉक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आपकी फर्स्ट वीडियो जो है, ये वाली, ये जो वीडियो थी आपकी, ये आपकी हाइड हो गई है। अभी सेकेंड वीडियो है, सेकेंड वीडियो पर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पर, तो ये आपकी सेकेंड वीडियो हाइड हो जाएगी। ये वाली, ये देखिए, ये सेकंड वीडियो आपकी हाइड हो गई इस टाइप से। अब थर्ड वीडियो आपकी, ये थर्ड वीडियो आपकी, ये भी हाइड हो गई। यानी कि अब एकदम ब्लैंक ब्लैक स्क्रीन यहाँ पे आपको शो हो गई है। अब इस तरह जाके मैं यहाँ पे एक एक करके इनको इनेबल कर लेता हूँ, अनहाइड करता हूँ। देखिए, ये आ गया सेकेंड, ये आ गया थर्ड, ये आ गया। अब क्या है, ये सारी वीडियो आपकी अनहाइड हो गई हैं। इसी टाइप से आप चाहें तो ये हमारे पास में एक ऑप्शन होता है लॉक, लॉक का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, जिसको आप अपनी वीडियो को लॉक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैंने वीडियो को लॉक कर दिया है। अब किसी भी वीडियो पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये इस पॉइंट पे, यहाँ से, ये देखिए, तो आप इसको मूव नहीं कर सकते कहीं से भी। ये देखिए, किसी को भी, अब ये क्या है, आपका पूरा पैनल जो है, आपकी टाइमलाइन जो है, वो लॉक हो गई है इस टाइप से। इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ। इस तरह आप चाहते हैं, अगर इसमें ऑडियो ना रखें तो यहाँ से ऑडियो को आप यहाँ पे क्लिक करके हटा दीजिए या इसको म्यूट कर दीजिए। ये आ गया आपका। अब हमने इसकी आउटपुट निकालनी है। यहाँ से हम जाएंगे ऐड टू अडोब मीडिया एनकोडर में। ये देखिए, ये आपका, इसकी कंट्रोल शिफ्ट का कंट्रोल आल्ट और एम इसकी शॉर्ट कमांड होती हैं। यहाँ पे हम जाके इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास में एक ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाता है, जो आपकी चार नंबर कंपोजिशन है वो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए, ये आपका क्या एनकोडर आ गया है। अब ये आपका अडोब मीडिया एनकोडर आ गया। अडोब मीडिया एनकोडर के अंदर ये आपका सोर्स होता है, अडोब आफ्टर कंपोजिशन आप ला सकते हैं, अडोब प्रीमियर प्रो सीक्वेंस आ सकते हैं और इसको रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से। इसमें क्या है, इसके कीबोर्ड शॉर्टकट भी होते हैं। ये देखिए, ये कीबोर्ड शॉर्टकट होते हैं जिनसे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया सीधा सिंपली। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपके पास में ग्रीन का, ये ग्रीन का आपके पास में ऑप्शन होता है, और ये होता है आपके पास में ऑप्शन इस जगह पे जाने पे फाइल फॉर्मेट का, कि कैसे हमने इसको फाइल को फॉर्मेट देना है। ये देखिए, ये आपके पास में अलग अलग टाइप के ऑप्शन हैं, AVI, BMP, H64, ब्लूरे डिस्क में भी आप डाल सकते हैं, MPEG-2 में भी कर सकते हैं, और PNG आदि फॉर्मेट में आप इसको सेंड कर सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास में स्टार्ट क्विक रिटर्न का ऑप्शन होता है, ये वाला। यहाँ से जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो वीडियो आपकी आउटपुट के लिए चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट। ये देखिए, आपका डायनेमिक लिंक सर्वर के थ्रू हो रहा है। ये देखिए, ये आपकी वीडियो आउटपुट एनकोडिंग के लिए जा रही है इस वक्त, जो कि क्विक टाइम में
अब ये जो इसकी आवाज़ आई है, अब इसने कर दिया डन। इसको डन करने के बाद जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करते हैं, ये पाथ आ गया, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे हम। डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए आपकी कंपोजिशन तैयार हो गई है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये पूरी की पूरी आपकी वीडियो 10 सेकंड से 12 सेकंड के करीब थी, ये आ गई आपकी। अब हम इसको यहाँ से एग्जिट कर देते हैं, यहाँ से भी इसको बंद कर देते हैं। तो इस तरह आप अडोब मीडिया एक्स एनकोडर के थ्रू किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अडोब मीडिया एनकोडर के थ्रू किसी भी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल।